सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वक्त हम दरभंगा जिला के जाले विधानसभा क्षेत्र में हैं और आज जो है हमारे साथ कांग्रेस के सीनियर लीडर मोहम्मद नौशाद हैं। आज इनकी तरफ से जो है जाले प्रखंड मुख्यालय से गांधी चौक तक जो है पदयात्रा यानी तिरंगा मार्च निकाला गया। इनसे हम बात करेंगे कि आखिर जो यहां पर पदयात्रा ये निकाले हैं इनका क्या उद्देश्य है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहां पर हजारों की तादाद में जो है यहां पर लोग पहुंचे हुए हैं। इसी बीच जो है झमाझम बारिश भी आ गई, जिसके कारण जो है थोड़ा सा जो इन लोगों का सेटअप था वो बिगड़ गया है, लेकिन फिर भी जो है हम कांग्रेसी लीडर हैं यहाँ पर मोहम्मद नौशाद, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले एक बार आप परिचय दे दें हमारे दर्शक को। मोहम्मद नौशाद मेरा नाम है। अच्छा, क्या उद्देश्य है आज आपने जो है पदयात्रा तिरंगा के साथ आपने प्रखंड मुख्यालय से गांधी चौक तक जो है आपने यात्रा किया? आज़ादी के 75वें वर्षगांठ पे ये खुशी का माहौल है, देश के अंदर उत्सव महोत्सव चल रहा है और उसी को लेकर नेशनल अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी से हम लोग को आदेश मिला था कि पूरे देश भर के अंदर प्रदेश के अंदर और अपने अपने विधानसभाओं के अंदर तिरंगा गौरव यात्रा की शुरुआत करनी है और पदयात्रा करना है। तो और क्या कहना चाहेंगे, जो आपकी पदयात्रा रही वो किस प्रकार से रही, कितने लोग यहाँ पे पहुँचे और कैसे यहाँ पर सेलिब्रेशन हो रहा है? देखिए ऐसा है, आपने देखा खुद आपने यहाँ हजारों की संख्या के अंदर और बहुत कम समय पे ये टाइम, मतलब ऐसे ही दिल्ली थे हम, फिर मैंने कहा चलो भाई अपने गाँव के अंदर चलते हैं और ये 24 घंटे में तैयारी किया हुआ फंक्शन है। हम ये कोई नेशनल प्रोग्राम है, ये कोई हमारे ब्लॉक लेवल का प्रोग्राम नहीं है मेरा, ब्लॉक लेवल का नहीं है, नेशनल प्रोग्राम हम लोग का। हम वहीं से हमें आदेश मिला था कि आप तो हमेशा दिल्ली में पॉलिटिक्स करते हैं, आखिर क्या उद्देश्य है इसके पीछे जो आपने तिरंगा यात्रा यहां से शुरू किया अपने विधानसभा? आप पहले प्रियंका जी का जन्मदिन भी यहां पे किया है, अहमद पटेल जी के जो शहादत, अहमद पटेल जी की जो मौत हुई थी उसके बाद भी यहाँ पे कार्यक्रम हुआ। लगातार एक साल से मैं पहले दिल्ली रहता था, लगातार एक सवा साल से मैं बिहार के अंदर एक्टिव हूँ और आगे आपको हर दिन मैं बिहार में आपको मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी, जाले, अलग अलग प्रखंडों में, अलग अलग विधानसभाओं में देखने को मिलूंगा और पूरी लड़ाई लड़ेंगे। आज महागठबंधन की सरकार बनी है, नीतीश कुमार जी, तेजस्वी जी की और कांग्रेस की सरकार बनी है। मैं समझता हूँ बिहार से क्रांति शुरू हो गई है। क्या लगता है कि जो अब नए गठबंधन की सरकार बनी है, कांग्रेस के भी 19 विधायक हैं, तो क्या लगता है कांग्रेस पार्टी अब कहीं ना कहीं बिहार में मजबूत होगी और आप लोग मजबूत करने के लिए क्या? देखिए ये जो हुआ है ना, इससे कांग्रेस पार्टी बिहार में ही मजबूत नहीं होगी, पूरे देश में मजबूत होगी। मैं समझ रहा हूँ बिहार से क्रांति की शुरुआत हुई है, गांधी जी ने चंपारण से शुरुआत किया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो और अंग्रेज को भारत छोड़ना पड़ा। अब बिहार से शुरुआत हुई है कि भारतीय जनता पार्टी भारत छोड़ो, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री का पद छोड़ो, अमित शाह गृह मंत्री का पद छोड़ो और कांग्रेस के राहुल गांधी को देश का 24 के अंदर प्रधानमंत्री बनाओ। अच्छा, मैं जाले विधानसभा की बात करूंगा, आगे आपकी क्या प्लानिंग है खासकर जाले विधानसभा को? हर आदमी की प्लानिंग ये होती है, कोई MLA बने, कोई सांसद बने, मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने। मैं राजनीति 21 साल से हूँ, NSUI से, यूथ कांग्रेस से, कांग्रेस पार्टी से लगातार संघर्ष कर रहा हूँ, तो मेरी भी इच्छा यही है कि आने वाले वक्त में विधायक और सांसद बने, मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, तो केंद्रीय मंत्री बने। जी, तो लगता है कि अब 2025 में जो विधानसभा चुनाव होगा, जाले विधानसभा की जनता मौका देगी आप 25 में क्या हो सकता है, 24 के अंदर चुनाव लड़ना पड़ जाए। अच्छा, लोकसभा भी जाने की तैयारी। जब 21 साल से मैं पार्टी का काम कर रहा हूँ तो और कोई लड़ सकते तो मैं भी लड़ सकता हूँ ना। पार्टी के जितने भी सिपाही हैं, समर्पित सिपाही हैं कांग्रेस पार्टी के, वो तमाम लोगों को अधिकार है चुनाव लड़ने का, चाहे वो पंचायत का लड़ें, चाहे वार्ड का लड़ें, चाहे वो प्रदेश का लड़ें, विधानसभा लड़ें, चाहे लोकसभा लड़ें, कोई सा भी चुनाव लड़ सकते हैं। आने वाले समय में क्या PM बनेंगे राहुल? देखिए PM 100% बनेंगे और PM बनना राहुल जी, सोनिया जी या प्रियंका जी का ये नहीं। अगर PM बनना होता राहुल जी को तो 2004 में बन सकते थे, प्रियंका जी, सोनिया जी 2004 में बन सकती थी, 2009 में बन सकती थी, लेकिन उसके बावजूद भी देश के अंदर जो 2% की आबादी है सिख, उनको डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को देश का प्रधानमंत्री बना। आज मुद्दा है महंगाई का, आज देश के अंदर जो हालात है, हमने महंगाई पर बहुत बड़ा दिल्ली के अंदर देश भर में प्रोटेस्ट भी हुआ और किस तरीके से उस प्रोटेस्ट को फिर से राम मंदिर से और राम से जोड़ा गया, मैं समझता हूँ
चाहूँ देश की जनता देख रही है, हर चीज़ को हिंदू मुसलमान, हर चीज़ को हिंदू मुसलमान, हर चीज़ को मस्जिद मंदिर, हर चीज़ को राम से जोड़ देना। महंगाई का प्रोटेस्ट हो रहा था, काले कपड़े शुरू से होता हुआ है, गांधी जी ने काले कपड़े पहने थे, सब ने काले कपड़े पहने हैं। हमारा अधिकार है प्रोटेस्ट करना, उस पर जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री कहते हैं जादू टोना, जिस तरीके देश के गृह मंत्री कहते हैं कि जिस दिन राम मंदिर का शिलान्यास हुआ था उस दिन ये कांग्रेसी काले कपड़े पहन के घूम रहे हैं, योगी जी कह रहे हैं, तो इनको सिर्फ जब देश के अंदर महंगाई का मुद्दा, सब कुछ मुद्दा चल रहा होता है ना, तो इनको सिर्फ राम नजर आते हैं और कोई नजर नहीं आता। जाते जाते आप जाले विधानसभा की जनता को क्या कहेंगे हमारे चैनल के माध्यम? जाले विधानसभा की जनता को, दरभंगा मधुबनी सीतामढ़ी के लोगों को यही कहना चाहूंगा कि कांग्रेस को मजबूत कीजिए, अब कांग्रेस की जरूरत है, कांग्रेस की ज़रूरत है, ताकि गरीब लोग, छोटे छोटे झुग्गी झोपड़ी वाले लोग, ठेले वाले, खोमचे वाले, जो आज हालात है, आज 200 रुपए का सरसों का तेल नहीं खरीद पा रहे हैं, आज 30 रुपए का आटा है नहीं खरीद पा रहे हैं, आज 40 रुपए का चावल बिक रहा है नहीं खरीद पा रहे हैं, आज 200 रुपए किलो दाल बिक रहा है नहीं खरीद पा रहे हैं, आज 110 रुपए का पेट्रोल बिक रहा है नहीं खरीद पा रहे हैं, आज 100 रुपए का डीजल बिक रहा है नहीं खरीद पा रहे हैं, तमाम आज दूध पे GST लगा दिया जाता है, आज दही पे GST लगा दिया जाता है, ये कहाँ है? ये भारतीय जनता पार्टी है, चार लोग के अमीर लोगों की पार्टी है, अडानी को बड़ा कर दिया, अंबानी को बड़ा कर दिया, 11 लाख करोड़ पिछले 6 साल 7 सालों के अंदर उन लोगों को माफ़ कर दिया गया, और गरीब के दूध पे आप टैक्स लगाते हो, जैसे गांधी जी ने नमक आंदोलन किया था वैसे हम लोग दूध का आंदोलन और दही का आंदोलन करेंगे। मतलब जो है कांग्रेस की जो लड़ाई है वो महंगाई के खिलाफ जारी रहेगी? जारी रहेगी, अभी 28 तारीख को रामलीला मैदान के अंदर लाखों लोगों का कार्यक्रम है हमारा महंगाई के खिलाफ। तो ये हमारे साथ अभी बात कर रहे थे मोहम्मद नौशाद, जो कि दरभंगा जिला के जाले विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, और ये जो है एक समाज सेवी है, और इनका जो घर है वो जाले विधानसभा के देवरा बंधौली में है, और अपने घर पर ये हमेशा जो है कुछ ना कुछ कार्यक्रम करते रहते हैं, कभी कंबल वितरण करना या फिर जो भी समाज सेवा की चीज़ें हैं वो ये करते रहते हैं। आज जो है तिरंगा यात्रा को लेकर जो है यहाँ पर पद यात्रा हुआ, यहाँ पर देख सकते हैं हजारों की संख्या में जो है यहाँ पर लोग मौजूद हैं, और अभी जो है यहाँ पर खाने पीने का कार्यक्रम चल रहा है, अभी चूँकि यहाँ पर बारिश भी आ गई थी थोड़ी देर पहले, जिसकी वजह से थोड़ा सा दिक्कत का जो है सामना लोगों को करना पड़ा, और हम लोग भी भींग गए हैं जैसा कि आप देख भी रहे होंगे। तो आप देख रहे थे व्यूअर्स 24 न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।